Now, let us do activity 9. Observe the pictures and describe the following animals in the space given below. Students, आपको क्या करना है? इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और इस पिक्चर में जो एनिमल्स दिए हैं उसको डिस्क्राइब करना है, मीन्स उसके बारे में लिखना है, राइट? सो लेट अस सी इन पिक्चर विच एनिमल्स गिवन, राइट? लुक, दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ टाइगर, राइट? क्या है बच्चों ये? टाइगर, आपको पता ही है टाइगर इज ए वाइल्ड एनिमल, राइट? ओके, देन व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज ए पिक्चर ऑफ कैट. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज ए रैबिट. एंड विच एनिमल इज दिस? आपने देखा है कभी? यस, राइट? ये कौन सा एनिमल है? राइनोसोर्स. कौन सा है? राइनोसोर्स. ओके, नाउ वी हैव टू राइट अबाउट ऑल फोर एनिमल्स इन डिटेल्स, राइट? ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी कैन राइट अबाउट दिस एनिमल्स. फर्स्ट पिक्चर किसका था बच्चों? टाइगर का, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज ए टाइगर. ये टाइगर का पिक्चर है इसलिए हम लिख सकते हैं दिस इज ए टाइगर. द टाइगर हैज़ ए लॉन्ग बॉडी एंड अ शॉर्ट नेक. इट हैज़ शार्प टीथ. टाइगर के टीथ कैसे होते हैं? शार्प. इट हैज़ थिक लेग्स विथ ब्रॉड पोज. उसके जो लेग्स होते हैं थिक होते हैं और उसके जो पोज होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं. ए टाइगर इज ऑरेंज और येल्लो इन कलर विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी. जो टाइगर होता है वो ऑरेंज या येल्लो कलर का होता है और उसकी बॉडी पे ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, राइट? स्ट्रिप्स, ब्लैक पट्टी होती है, राइट? द चीक्स, थ्रोट, इनसाइड ऑफ द ईयर्स एंड लेग्स आर वाइट. द बैक ऑफ द ईयर इज ब्लैक with a white spot in the center. तो ये हमने टाइगर के बारे में लिखा, राइट? ओके, दूसरा पिक्चर किसका था बच्चों? कैट का. तो कैट है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज ए कैट. वो कैसी है कैट? स्मॉल, राइट? तो इट इज स्मॉल पैट एनिमल. कैट्स आर फाउंड इन वेरियस कलर्स. इट हैज़ सॉफ्ट फर. कैट के डिफरेंट कलर्स होते हैं और उसके ऊपर सॉफ्ट फर होते हैं. द कैट आइज आर ब्राइट ग्रे इन कलर एंड दे शाइन एट नाइट. आपने देखा होगा जो कैट होती है उसकी आइज ब्राइट ग्रे कलर की होती है और रात को वो शाइन करती है. ए कैट हैज़ शार्प क्लोज एंड फरी टेल्स. जो क्लोज होते हैं शार्प होते हैं उसके और टेल्स फरी होती है. इट्स क्लोज एंड टीथ आर शार्प. के उसके टीथ और क्लोज कैसे होते हैं? शार्प होते हैं. इट हैज़ लॉन्ग विस्कर्स. उसको लॉन्ग विस्कर्स होती है. विस्कर्स यानी पता है ना आपको, मुंह पे बाल होते हैं ना बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं? विस्कर्स. इट वॉक्स और रन्स विदाउट मेकिंग एनी नॉइज. देखो कैट है ना साइलेंटली एकदम किसी को पता भी ना चले ऐसे रन कर सकती है और चल सकती है, राइट? ओके, देन नेक्स्ट पिक्चर किसका था? रैबिट. रैबिट इज ए स्मॉल मैमल विथ लार्ज ईयर्स एंड ए फ्लफी शॉर्ट टेल. आपने देखा होगा रैबिट कैसा होता है? फ्लफी होता है, मीन्स फर वाला होता है, राइट? और उसके ईयर्स लार्ज होते हैं और टेल भी फ्लफी होती है उसकी. इट इज़ कवर्ड विथ फर. उसके ऊपर फर होते हैं, मीन्स अभी कहा ना फ्लफी होता है वो. इट इज़ यूजुअली वाइट और ब्राउन इन कलर.
यूजुअली रैबिट ब्राउन और वाइट कलर का होता है। इट हैज़ विस्कर्स, उसके भी विस्कर्स होते हैं। इट हैज़ स्मॉल ब्लैक आईज, उसकी छोटी और ब्लैक आईज होती है। देयर आईज आर मेड फॉर सेफ्टी एंड ईच आई कैन रोटेट 360 degrees। देखो जो रैबिट होता है उसकी आईज 360 degree तक रोटेट हो सकती है, मीन्स पूरी सब डिरेक्शन में वो घूम सकती है, राइट। दिस अलाउज द रैबिट टू लुक बिहाइंड विदाउट टर्निंग इट्स हेड। देखो उसकी आईज 360 degree तक घूम सकती है, इसलिए वो पीछे मुड़े बिना ही पीछे का सब दिख सकता है वो, राइट। ओके देन लास्ट नंबर किसका था, राइनासोर्स। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ राइनासोर्स। ए राइनासोर्स इज ग्रे इन कलर, कौन से कलर का होता है, ग्रे कलर का, विथ वेरी थिक स्किन, उसकी स्किन बहुत थिक होती है। द राइनोस थिक स्किन हेल्प्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम थॉर्न्स एंड शार्प ग्रासेस। देखो उसकी जो स्किन है वो थिक होती है, इसलिए उसको प्रोटेक्ट मिलता है किससे, थॉर्न्स और शार्प ग्रासेस से। द ब्लैक राइनासोर्स हैज़ टू लार्ज कैरेटिन हॉर्न्स, द सेकंड ऑफ विच कैन मेजर नियरली 3 feet इन लेंथ। देखो जो ब्लैक राइनासोर्स होते हैं उसके थॉर्न्स होते हैं और कितने लंबे होते हैं, 3 feet इन द लेंथ। ब्लैक राइनोस हैव लार्ज ईयर्स विच कैन रोटेट टू पिक अप साउंड्स फ्रॉम मैनी डिरेक्शंस। जो ब्लैक राइनोस होते हैं उसके लार्ज ईयर्स होते हैं जो विच कैन रोटेट टू पिक अप साउंड्स फ्रॉम मैनी डिरेक्शन, मीन्स वो दूर से साउंड जो आता है उसको वो सुन सकता है, राइट। ओके सो वी कैन राइट डाउन लाइक दैट अबाउट ऑल 4 animals एंड यू कैन राइट डाउन योर ओन सेंटेंस ऑल्सो। ओके सो राइट डाउन दिस 4 अबाउट 4 animals इन योर टेक्स्ट बुक।